साथ कुछ खेलती तो होंगी ना। अपनी सहेलियों के साथ सारी दिहाड़ खेलने रह सा, पता ही कौन सा होना तो मेरे से बड़ा ना भाई, क्या करना क्या नहीं करना। आप क्या खेले खेलती थी, मतलब गुड़िया से खेल? गुड़िया पटोले बना के, अंडिया पका के, निके निके खिलौने। अच्छा, तो स्कूल नहीं था उस वक्त? आप नहीं गई? बच्चे माशाल्लाह सारे दस दस पढ़े, बारह पढ़ी है, फिर अपनी कीमत आई बच्चे करो है, फिर बच्चे रात आया सारे बच्चे, चार बच्चे चारे दस दस पढ़े, बारह पढ़ी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे। चले जी, अब ये कराए अंकल जी, इसमें आपने हाथ लगाना है, हाथ का जी 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 देखो साफ कर दो। उस वक्त बहुत गुरबत थी, आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे दौर में, बड़ा अच्छा वक्त था आप लोगों का। वहाँ हमारे पास बैग, जो आपके बैग है, हमारे पास सराहने का छाड़ होता है ना, उसकी बैग होती थी,
और कपड़े आधे एक सलवार धोकर देते थे, अगर सलवार पहनते थे फिर कमीज धोकर देते थे ऐसे, और मतलब गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। और उस दौर में मैंने मैट्रिक किया है माशाल्लाह, आर्मी में सुल्तानी में रिटायर हुआ हूँ, तो बहुत अच्छा दौर था, हम थकते ही नहीं थे। सबसे बेहतरीन काम जो है पढ़ाई है। अभी आपकी बड़ी क्लास से उन्होंने सीखा स्कूल ग्रामर था, पढ़ो पढ़ते जाओ इस लड़ाई पढ़ते जाओ, फिर जब अगली स्टेज या जब ग्रामर खूब याद करो, हम जो 1967 में याद की थी वो भी याद, और उधर 1967 में टूर्नामेंट हुआ था उस पर हम गए थे, उधर मैंने एक फिक्रा बोला था, उसकी गलती होगी थोड़ी सी खड़े खड़े हो, मैंने इतना बोला था, लॉ इज ए मशीन वट एवर कम्स कैन बी क्रश्ड, ये मैंने खुद अपने ऐसे बोला था। हमारे टीचर को अभी बहुत हुए वो कहते थे जब शरीर ने इतना बोला है, सब स्कूलों के टीचर देख रहे थे कि ये कैसे बोल रहे हैं, और उस पर इंग्लिश टीचर नहीं होता था, लाख बच्चे 67 में 68 में उस पर गुरबत थी, पैसा नहीं था, एक कपड़ों का जोड़ा आता था वो भी हफ्ते के बाद हम घर वाले लोग देते थे। अब माशाल्लाह आपको पता नहीं वो दौर पिछला जो वो कैसा गुजरा, पैसे की कमी थी जिसकी वजह से मैट्रिक के बाद मैं आगे नहीं पढ़ सका। अब अल्लाह ताला हर आदमी का फजल है, अभी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, वालदैन की बात माने, उस्तादा की उस्ताद जो है उनकी बात माने, और अच्छे बन के अच्छा अखला के पेश आए। अगर कोई बड़ा बच्चा आपसे ज्यादा भी कर जाता है तो आप खामोशी से फरामोश कर जाए, उसको बताते खुद आसान हो जाएगा कि मैंने ज्यादा किया, इसलिए यही तो पैगाम है कि आप मेहनत पर करें, तवज्जो दें, अपने वालदैन की बात मानी, वालदैन आपका इतना खर्चा करते हैं आप पर, इसलिए उनको आपको एहसास होना चाहिए कि हमारे वालदैन आप पर खर्चा कर रहे हैं, यही आपका अंदर मुस्तकबल बनेगा बेटे, बस यही बात है। थैंक यू। सिर्फ तालीम के बगैर कोई चीज़, अगर तालीम नहीं है किसी के पास तो उसकी ज़िंदगी बेकार है। इस वजह से मैं आपके लिए यही नसीहत छोड़ते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये नहीं है कि टोटल पूरा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अच्छा पढ़ें। और ये टीचर साहबान हैं, इनकी जो भी बातें हैं उनके ऊपर अमल करें ताकि आप ज़िंदगी कामयाब गुजारेंगे, जब इनकी बातें नहीं मानेंगे तो आप ज़िंदगी कामयाब नहीं गुजारेंगे। तरबियत के लिए अगला अच्छा कदम उठाने के लिए मार रहे हैं।
अगर पेरेंट्स से कह देंगे कि आपने बच्चों को क्यों मारा है तो बोले जी आप इसको ले। हमें बच्चों की तरबियत के लिए बुलाते हैं, इसलिए हम आपसे प्रेफास करते हैं बच्चों को मारें, लेकिन इस तरह ना मारें कि उसके हाथ पैर उठे जैसे तशद्दुद लोग करते हैं, ऐसे नहीं करें। प्यार से समझाएं, अगर प्यार से नहीं समझाएं फिर गुस्से से समझाएं, गुस्से से नहीं तो फिर आखिरी अरबा है हमारा। अल्लाह पाक मैं आप लोगों की, मेरी बेटी की जगह मैं आप लोगों को जो दुआ दे सकता हूँ, अल्लाह पाक आपकी इज्जत में इजाफा फरमाए और बच्चों के मुस्तकबिल की चाह याद आपकी खिदमत करते हैं, ये खिदमत करें। थैंक यू सो मच सर। यानी पहली दूसरी तीसरी फैमिली में पढ़ते थे ना, अभी तो जो नया सिस्टम और है थोड़ा, लेकिन उस वक्त ये जो सोचते हैं आप, अल्लाह ताला ने आपकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतना बड़ा अल्लाह ताला ने आप पे कर्म किया है, हर चीज़ मांगा है। हम लोगों को जो है जब जाते थे स्कूल एक तख्ती होती थी, एक सिलेट और एक कलम, यानी कैदा, तो ये लिखने के लिए सिलेट ही होती थी। अभी तो अल्लाह के करम फजल से जनाब आप लोग मुकद्दर अच्छे हैं, नसीब अच्छे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे जनाब आप, यानी हर चीज़ अल्लाह ने आपको दी है और आपको किस्मत है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जो अच्छे स्टूडेंट हैं, साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं और टीचर भी हैं मेरे में, यानी आपको यानी अच्छी तरबियत, अच्छी क्लासें पढ़ाई करा रहे हैं, ये हमारे लिए समझते हैं। Thank you so much, sir.